क्या बासी चावल खाने से हमारे शुगर बढ़ती है या कम होती है, आज इसी चीज़ पे हम लोग फूड रिव्यू करने वाले हैं। पहले भी मैंने आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स आया था मेरे पास कि सर आप बासी रोटी पे भी आप इस पे रिव्यू करिएगा, तो मैंने बासी रोटी पे भी मैंने रिव्यू किया था। गेहूं की रोटी जो थी, जो रात को बनाई हुई थी, जो मैंने सुबह खाई थी दूध के साथ में, आपने देखा होगा कि मेरी 100 पॉइंट से ऊपर बढ़ गई थी। यानी बासी रोटी से हमारे ब्लड शुगर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यानी लोग कहते हैं कि रात को रोटी रहने से उसमें अच्छे अच्छे बैक्टीरिया सब आते हैं और अच्छा मिनरल्स हमको मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सेम चीज़ मैं अभी चावल पे करने वाला हूँ, राइस पे। ये जो राइस है, ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, जो मैंने रात को 10 बजे मैंने बनाए थे। इसमें 3 गुना पानी डाला हुआ है, यानी ये आप देख सकते हैं मैंने 150 ग्राम लिया है। 150 ग्राम मेरा बासमती राइस है जो मैंने रात को 10 बजे बनाया था। उसके बाद अभी आप समझ लीजिए 11 घंटे हो चुके हैं जो फ्रिज में रखे हुए थे। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इसको ठंडा नहीं खाया, मैंने इसको थोड़ा सा छूक लिया है, यानी इसको थोड़ा फ्राई कर दिया है, जिसमें मैंने कोई ना टमाटर है ना प्याज है, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मसाले डाल के इसको थोड़ा पका लिया है। और आप भी ऐसा ही करिएगा, कोई भी ठंडी चीज़ अगर आप खाते हो, जो रात की बनी हुई चीज़ है, अगर आप सुबह खाते हो तो उसको गर्म करके ही खाइएगा, ठंडी मत खाइएगा। जिससे क्या होगा, आपकी गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे तो इसमें भी गर्म करने के बाद भी प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन गर्म करने से क्या होगा कि इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, जो खराब बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वो भी क्या है, मर जाते हैं, तो हमारे ज़्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो आज इसी चीज़ में मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि 150 ग्राम बासी चावल खाने से हमारी शुगर क्या रहती है। अगर मैं राइस जो होते हैं, जैसे वाइट राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, जस्मिन राइस हो गया, ये काफ़ी टाइप के हमें जो राइस हमको मिलते हैं। जैसे वाइट राइस की बात करूँ तो उसमें जो 70 से 80 ग्राम हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलता है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड की बात करूँ तो वो 60 के आसपास हमें ग्लाइसेमिक लोड मिलता है। ब्राउन राइस की बात करूँ तो 50 से 55 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और बासमती राइस जो है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 के आसपास होता है, और जो जैस्मिन राइस होता है वो भी 45 से 50 के आसपास रहता है। यानी वाइट राइस के अलावा अगर आप कोई भी राइस लेते हो, बासमती है, जैस्मिन है या ब्राउन राइस है, कोई भी लेते हो, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहता है, क्योंकि इसमें कोई फाइबर नहीं होता है। तो अगर आप रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो, शुगर दोनों सेम ही बढ़ने वाली है, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। और गेहूं की ग्लाइसेमिक लोड की बात करूँ तो वो भी कुछ 50 के आसपास होता है, यानी राइस और गेहूं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये मैं लेने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ। अभी हो गए सुबह के 9 बजे है, और मैंने सुबह 6 बजे एक बिना शक्कर वाली चाय मैंने पी थी। तो आप इसको फास्टिंग भी समझ लीजिए या रैंडम भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि सुबह उठते मुझे चाय ज़रूरत होती है। तो ये आ गई है मेरी शुगर खाने से पहले की, ये मेरी खाने से पहले की है 169। ओके 169 है मेरा। उसको आप फास्टिंग समझ लीजिए या रैंडम समझ लीजिए, जो भी करना है, क्योंकि मुझे 3 घंटा हो चुका है चाय पिए हुए, तो अभी मेरी 169 है। और दूसरा, आप राइस कोई भी ले लो, अगर सपोज़ आपने जो चावल हैं, अगर आपने 30 ग्राम लिए, मैंने 30 ग्राम चावल लिए थे, उसमें पानी डालने के बाद ये 3 गुना बढ़ गया है, तो ये 150 ग्राम हो गया है। अगर आप 50 ग्राम चावल लेते हो तो 200 ग्राम तक उसका वेट हो ही जाता है। और ये भी समझ के चलिएगा कि 1 ग्राम चावल में, कच्चे चावल की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम कच्चे चावल में भी अगर हम खाते हैं तो हमारा जो शुगर है वो 2 पॉइंट इंक्रीज होता है। ये हम अज्यूम करते हैं ये होता ही है। तो मैं जो 150 ग्राम चावल है, यानी मैंने 30 ग्राम मैंने चावल लिया था, तो मेरा जो पॉइंट है वो 60 पॉइंट तक बढ़ना चाहिए। नॉर्मल राइस जो हम लोग फ्रेश राइस खाते हैं तो इतना तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं, खा लेता हूँ मैं और फिर मैं आपको मिलूँगा 2 घंटे बाद।
तो मेरा भी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, 150 ग्राम बासी बासमती राइस खाए हुए। तो अभी टाइम हो गया है, अब समझ लें 9 बज गया है, तो मैं आपको मिलूंगा 10:55 के आसपास, यानी 2 घंटे बाद हमारी शुगर क्या रहेगी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे अभी 2 घंटा हो चुका है, 150 ग्राम बासमती राइस खाए हुए जो थे बासी, यानी रात के बने हुए थे और मैंने सुबह खाए हैं। और दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहता था, वो 30 ग्राम नहीं था, वो 40 ग्राम बासमती राइस था और वो पकाने के बाद 150 ग्राम हुआ है, मेरे से गलती हो गई थी, वो 30 ग्राम नहीं था 40 ग्राम था। तो 40 ग्राम के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ तो मेरा नॉर्मली 80 पॉइंट मेरा बढ़ना चाहिए। अब ये सोच रहे होंगे कि हम तो 150 ग्राम तो काफ़ी कम था, हम तो 200-250 ग्राम भी हम तो खाते हैं, तो भी 80 पॉइंट तो नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम लोग राइस के साथ में या तो हम दाल लेते हैं या फिर सब्जी लेते हैं या दोनों मिक्स करके खाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्या शुगर ज़्यादा पिक नहीं करती है अगर हम राइस के साथ में दाल या सब्जी लेते हैं। तो चलिए अब हम हमारी शुगर चेक कर लेते हैं। अगर हमारी शुगर 70-80 पॉइंट बढ़ती है तो बासी चावल से शुगर पेशेंट वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर 40 पॉइंट आता है हाँ, तो फिर हम कह सकते हैं कहाँ बासी चावल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ब्लड आ चुका है, तो ये आ गई मेरी 2 घंटे बाद की शुगर। पहले जो शुगर थी मेरी वो थी 169, अब आई है 242, यानी 169 माइनस 242 73 पॉइंट बढ़ा है, यानी बासी चावल खाने से भी हमारी शुगर में कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये चीज़ भी गलत है, जैसे बासी रोटी खाने से शुगर कम होती है लोग कहते हैं, वैसे ही ये बासी चावल खाने से भी हमारे शुगर में कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि जो फ्रेश चावल होते हैं वो जितनी हमारी इंक्रीज करेगा शुगर को, वही बासी चावल भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।